सो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई को आपका बिहार एस्टेट का रिजल्ट आना था, और यस फाइनली रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट चेक कैसे करेंगे आइएगा, इसके बारे में डिटेल बता दूं। इसके बाद सही आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपने जो आंसर दिया है वो आंसर कहाँ पर मिलेगा, वो सारा कुछ मैं बताऊंगी। और चेक कैसे करना है, आपके स्कोर कैसे बनेंगे, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 1-2 मिनट का वीडियो होगा। बिहार शिक्षक भर्ती, आप जाके गूगल पे टाइप करोगे बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। क्या टाइप करोगे गूगल में जाकर? बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, सिंपल सा ये टाइप कर देना। टाइप करने के बाद ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है BSEB होम, इस पर जाके क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका पेज जो होगा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर में एक आपको क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन एस्टेट 2024 लिखा हुआ है, इसी में आपको जाना है। क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन में जाकर इस लिंक को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आप डालोगे, जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी है वो एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पर डाल दोगे आराम से। वो एप्लीकेशन आईडी आपके एडमिट कार्ड में भी होगा और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में भी होगा, दोनों जगह पर ये एप्लीकेशन नंबर आपको जरूर दिया हुआ होगा। फिर बात करते हैं पासवर्ड का, पासवर्ड कैसे टाइप करना है। तो पासवर्ड आपको टाइप करना है डेट, मंथ और ईयर के बेस पर। पहले डे आएगा, ठीक है ना, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, उसके बाद आपका ईयर आएगा। डे 2 डिजिट का होगा, मान लीजिए कि आपका डेट है 1 जनवरी, आपका 1 जनवरी को जन्म हुआ है, तो कैसे लिखोगे? 01, मंथ भी 01, ठीक है? तो 2 डिजिट में आपको आंसर देना है। हमेशा डेट ऑफ बर्थ का जो होगा वो 2 डिजिट होगा, तो यहाँ पर डेट का भी 2 डिजिट, मंथ का भी 2 डिजिट और ईयर का 4 डिजिट। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पासवर्ड डालने में दिक्कत हो रहा है, इस तरीके से आप पूरा पासवर्ड जब डाल दोगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा चूज डेट ऑफ एग्जाम का। किसका ऑप्शन आ जाएगा? चूज डेट ऑफ एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। जब चूज कर लोगे तो आपका जो भी एग्जाम था 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पर 17, 18 को तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, आपका 20 डेट है, तो आप 20 यहाँ पे चूज कर लोगे। चूज करने के बाद आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद इस तरीके से आपका जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। अब देखो अपना स्कोर कैसे देखोगे। सबसे पहले कॉपी में सीरियल नंबर दे दो 1 to 50, ठीक है? 150 क्वेश्चन थे टोटल, तो अपने कॉपी में सीरियल नंबर दे दो 1 से लेकर 150 तक। उसके बाद देखना फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। और एज अ कैंडिडेट आपने क्या आंसर दिया ये देख लो कि आपका भी ऑल ऑफ द अबव है, यानी 1 मार्क्स आपको मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स ऐड कर दो, ठीक है? यानी कि करेक्ट कर दो उसको, तो इस तरीके से आपको मिल गया। कभी कभी कोई क्वेश्चन आपका, जैसे कैश बुक क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका लेजर होना चाहिए, लेकिन आपने जर्नल दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जगह पर, सीरियल नंबर 2 के जगह पर आपको क्रॉस कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपना स्कोर मिलाते हुए जाना है। आपका और बोर्ड का दोनों का आंसर जहां पर सही होगा वहां पर 1 मार्क्स अपने को दे देना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो गलत होगा उसको सीधे काट देना। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके रॉन्ग दिए हुए, जैसे कि जर्नल इज अ बुक ऑफ, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी रिकॉर्ड दिया हुआ है, और कैंडिडेट ने सही आंसर दिया, ओरिजिनल रिकॉर्ड ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है और लग रहा है कि चैलेंज करना होगा, तो उस क्वेश्चन के आगे में सी लिख देना। तो ऐसे भी 150 में कम से कम 10-12 ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो चैलेंज करने होंगे, ठीक है? तो आप जो चैलेंज करने हैं वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, फिलहाल अभी आप लोग अपना स्कोर देखो कि कितने स्कोर बन रहे हैं। आपके और बोर्ड के आंसर सही होने चाहिए, और अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोटल कितना आपका स्कोर बन रहा है, 150 में कितने क्वेश्चन आपके सही है, और अपना सब्जेक्ट्स भी बताइए, ठीक है? तो इस तरीके से मैच कर लीजिए सभी लोग अपना अपना, ठीक है? ये सभी को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने बता दिया। अब किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, चैलेंज करने का तरीका क्या होगा, ये आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।